गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को पता है आजकल का जो ट्रैफिक सेंस है, जो ड्राइविंग सेंस है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। जब भी आप घर से निकलते हो ना, दिमाग में टेंशन रहती है कोई कुछ लफड़ा ना हो जाए। और कल मैं ऑफिस जा रहा था, एक पुलिस वाला SI मेरी गाड़ी में घुस गया और बहुत बुरी तरह गिरा है। दूसरी गाड़ी के आगे जाके गिरा है। गलती से अगर उसका सर आ जाता उस गाड़ी के आगे तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। वो वीडियो आपको दिखने वाली है। अब उस इंसिडेंट वाले वीडियो से पहले इस वीडियो को देखते हैं जहाँ पे ऑटो वाले ने मेरे लेफ्ट हैंड साइड की पीछे वाले डोर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। आपको पिक्चर में साफ दिख रहा होगा, उसकी जो नज़रें हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में बाइक वाले के पास, राइट हैंड साइड में वो देख ही नहीं रहा है। बिना देखे उसने राइट को मोड़ा है। उसके बाद ये मुझी से पूछता है, ये तूने क्या किया? उसके बाद ये उल्टा मुझसे कॉम्पनसेशन मांग रहा था कि मेरी ऑटो में डैमेज हो गया। उसको डैश कैम का फुटेज दिखाया अपनी फ़ोन पे, फिर भी वो नहीं माना। तो मैंने कहा पुलिस को बुला लेता हूँ, वही निपटारा करेंगे। उसके बाद वो माना है, सॉरी बोला है, तब मुझे जाने दिया। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों से, जब भी जो अभी वीडियो देख रहा है ना, ये एक लर्निंग के लिए है, ये एक सीख के लिए है, ये एक मैसेज है सभी के लिए। तो ये मत देखिएगा कौन लेफ्ट में आ रहा था, कौन राइट में जा रहा था, कौन क्या कर रहा था, मोटा छोटा बड़ा, किसकी गलती है किसकी नहीं है, इसको जज मत कीजिएगा। क्योंकि यार कोई भी बंदा हो, वो उसका ना एंगल, उसका सोचने का तरीका अपने हिसाब से ही होता है। किसी को लगेगा कि ये गलत है, किसी को लगेगा वो गलत है। इन सब को छोड़ के बस ये फोकस कीजिएगा कि अगर आपकी गाड़ी में डैश कैमरा नहीं होता, अगर आपके पास प्रूफ नहीं होता, तो आपके साथ क्या हो सकता था। तो इसी बात पे वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डैश कैमरा है वो जब से मेरी गाड़ी में है तब से लगा पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत पहले मुझे लेसन मिल गया था। आप लोगों ने 2 साल पहले जो वीडियो डाली थी मैंने, जिसने मुझे चालान से बचाया, पुलिस वाले चालान काटने के लिए रेडी थे बिल्कुल, मैं बचा सिर्फ डैश कैम की वजह से उनको फुटेज दिखाने के बाद। अगर वो डैश कैम नहीं होता तो वो चालान हो जाता। यहाँ पे तो सिर्फ चालान की बात है, एक छोटा सा 5,000, 2,000, 10,000 रुपये देके आप निकल जाते। लेकिन इस बात को सोचिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ आपकी गलती नहीं है, कोई बाइक वाला या कोई पैदल चलने वाला या फिर कोई कुछ भी चीज़ अगर होता है जहाँ आपकी गलती नहीं है, तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा, आपके पास प्रूफ नहीं है। तो वहाँ पे प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो डैश कैम आजकल 2-3 हज़ार से शुरू होते हैं, 40-50 हज़ार से ऊपर भी होते हैं। आपका बजट नहीं है, बशर्ते सस्ते वाला डैश कैम लीजिए, लेकिन अपनी गाड़ी में उसको ज़रूर लगाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड 5 से 10 के बीच में थी, स्कूटी वाला मेरे आगे से निकला है तो मैंने ब्रेक मार लिए थे। उसके बाद जैसे ही स्कूटी वाला निकला है, मैंने एक्सीलरेशन गाड़ी को दिया। ये पुलिस वाला बिल्कुल लेफ्ट में था, उसने अचानक ही कट मार के राइट में डाला है। और जैसे ही मैं ब्रेक मारता तब तक इसकी गाड़ी में लग चुका था और ये पुलिस वाला गिर चुका था। ऐसे सिचुएशन में बहुत गर्मा गर्मी रहती है, तो गाड़ी को लॉक करना मत भूलिएगा, वरना आपका सामान चोरी हो जाएगा। भाई अभी गाड़ी में लगी, वो पुलिस वाला है ना, उसने पी रखी है भाई, वो बिल्कुल टल्ली है, भयानक ढंग से है ना। और वो आ गया, वो पिया हुआ टल्ली हो रखा है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो? ना गलती मेरी नहीं थी, तो कैमरा था इसलिए मैं बच गया, और पुलिस वाला पिया हुआ था। प्रताप सिंह उसका नाम है, मैंने उसका बैच भी देखा था। मैन दैट इज रिडिकुलस भाई, वो कैमरा नहीं होता तो मेरी आज लंका लगाने वाला था। टुडे इज 18th of April, करीब 12:19 हो रहे हैं, और मैं जा रहा था ऑफिस की तरफ। पुलिस वाला निकल गया गोली बन के, उसने हेलमेट पहन रखा था। आप लोग ने सब वीडियो देखा है, जजमेंट प्लीज मत कीजिएगा कौन गलत कौन सही कौन क्या कर रहा था। आज ही आप प्रतिज्ञा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आज ही अपनी गाड़ी में आप डैश कैम लगाओगे टू बी सेफ एंड सिक्योर। थैंक यू सो मच।